Hello everyone, this is Akansha and once again I welcome you all to our YouTube channel. So before I start anything else, first of all मैं झटपट में आपको अपने बारे में बता दूँ. This is something about myself and further about my past experience, organizations and guys one more thing, अगर आपको SSC का कोई भी या अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन कंसिडर करना है सो यूज कोड AP लाइव. वॉट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग एनी कोड? आपको 10% ऑफ मिल जाता है. बेनिफिट यही होता है कोड यूज करने का, आपको 10% ऑफ आ जाता है. सो 10% ऑफ, लेकिन अगर आपके पास आपके ऐप में आपके प्रोफाइल में क्रेडिट्स है तो आप उसको भी अप्लाई करके ऑफ 10% से ज़्यादा का भी ले सकते हो. सो डू रिमेंबर दैट थिंग ऑल्सो. नाउ द नेक्स्ट सेगमेंट इज दिस. This is my Telegram group. You can join that. And this is my Unacademy profile. Profile, किसी भी faculty की profile follow करने का, मेरी नहीं, हर faculty की, आप जिसको भी follow करना चाहते हो, किसी भी faculty की profile follow करने का basic advantage क्या होता है? Faculty जब भी special class launch करता है या कोई content course launch करते हैं या free class launch करते हैं तो आपके पास notification via SMS या mail आ जाया करेगा, क्योंकि कई बार क्लासेस ऑल ऑफ अ सडन भी प्लान होती है या क्लास रिशेड्यूल हो जाती है तो नोटिफिकेशन आ जाता है. ठीक है. नाउ अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, वो क्या क्या बेनिफिट मिलता है? आपको क्विज मिलते हैं, आपको लाइव क्लासेस मिलती है, आपको एक वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स, ये तो मिल ही जाता है, कई जगह मिलता है. बट जो मेजर एडवांटेज या जो थिंग विच कीप्स अनअकैडमी डिफरेंट इज दिस, यू हैव अनलिमिटेड एक्सेस. मीन्स वन सब्सक्रिप्शन बराबर ऑल दी सब्जेक्ट. एक सब्सक्रिप्शन टारगेट करता है सारे सब्जेक्ट को, एक सिंगल सब्जेक्ट को नहीं. मतलब अब आप अनअकैडमी मेंबर बन चुके हो, आप किसी भी क्लास में किसी भी लेक्चर में जाके क्लास अटेंड कर सकते हो, चाहे वो रीजनिंग हो, वो क्वांट्स हो, वो इंग्लिश हो, वो GS हो. यू आर फ्री टू मूव हियर एंड देयर, आप कहीं भी जा सकते हैं. ठीक है. सो दिस इज द बेसिक एडवांटेज ऑफ कंसिडरिंग एनी सब्सक्रिप्शन. बैंकिंग का ले रहे हो तो बैंकिंग के सेशंस में जाने में फ्री हो, SSC का ले रहे हो तो SSC के सेशंस में जाने के लिए आप फ्री हो. ओके. नाउ द थिंग इज दिस, अनअकैडमी ने हाल ही में प्राइस रिड्यूस कर दिया है. सो राइट नाउ द रेटेस्ट प्राइस इज 6480, मतलब 270 रुपये पर मंथ. This was the earlier price. Now this is the new price. So guys, if you want to avail the benefit, पता नहीं कब प्राइस में हाइक हो जाए, क्या सिचुएशन हो जाए, किसी को पता नहीं होता इसके बारे में. So आप फटाफट कोई भी एक सब्सक्रिप्शन जो आप कंसिडर करना चाहते हो, यू कैन गो अहेड विद दैट. ओके. और आपको सारे बेनिफिट्स आपके डोर स्टेप पे मिल जाएंगे इन जस्ट अ सिंगल सब्सक्रिप्शन. आप प्रोसीड टू पे कर दो. अगर आपको लग रहा है मैम मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये तो सस्ता है, ठीक है, लेकिन अगर हम वन टाइम पेमेंट के हिसाब से देखें तो एक्चुअली ये ज़्यादा बेटर है. इट्स कम्प्लीटली योर कॉल यार. मैं नहीं कहूँगी कि नहीं 2 ही साल का लो, आपके ऊपर है. आपको लग रहा है 1 ईयर इनफ है, 2 ईयर है, जिस हिसाब से जिसको बेनिफिशियल समझो, यू कैन गो अहेड विद दैट. बस एक चीज़ का ख्याल रखना, दोनों में डिफरेंस सिर्फ 1080 का है और 1080 में पैकेज डबल हो रहा है. अगर आपके बाद आपके फैमिली में कोई आने वाला है बैंकिंग या SSC या कंपटीशन की लाइन में, सो आई थिंक आपके लिए फिर ये एक बेटर ऑप्शन हो सकता है 2 ईयर वाला. अदरवाइज आप किसी को भी ऑप्ट करो, इट्स अ गुड इनफ. ओके. नाउ आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं दैट इज अबाउट अ प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ CHSL और हम उसका डिटेल डिस्कशन भी करेंगे. बट बिफोर कमिंग टू पर्टिकुलर क्वेश्चन, मैं आपको बता दूँ, सवाल आएंगे, टाइमर आएगा, आपको आंसर करना है. फिर आपके आंसर के बाद मैं हर सवाल के लिए लगभग 20-30 सेकंड दूंगी, 20-30 सेकंड्स. उतनी देर में, वैसे क्योंकि CHSL का पेपर है तो काफ़ी आपको कन्वीनियंट भी लगेगा कंपेयर टू CGL का प्रीवियस ईयर पेपर की तुलना में, आपको काफ़ी कन्वीनियंट लगेगा, ट्रस्ट मी. लेकिन फिर भी 20-30 सेकंड का मार्जिन रखते हैं. जरूरी नहीं हर बच्चा उतना ही धुरंधर हो, कुछ न्यू कमर भी होते हैं, उन्हें शायद थोड़ा सा टाइम लग जाएगा. इन एनी केस, सो व्हाट माय प्लान इज, कि कोई भी हो, कि नया हो, पुराने हो, बेनिफिट सबको मिल जाए. गो अहेड.
30 सेकेंड्स आर डन. व्हाट इज द आंसर? कैसे एसोसिएटेड है ये एक दूसरे से? इनके बीच में एक सर्टेन रिलेशन है. व्हाट इज दैट? एडिटर से या एडिटर की हेल्प से न्यूज़पेपर बनता है. एडिटर की हेल्प से ही न्यूज़पेपर बन पाएगा. फार्मर की हेल्प से सेलिंग, ये कोई करेक्ट रिलेशन तो नहीं ज्वाइन कर रहा है. लेट्स सी. वॉल की हेल्प से मेसन. मेसन मतलब क्या होता है? ये जो आपके जो कंस्ट्रक्शन घर का करते हैं, जो लेबर्स होते हैं, दे वी टर्म इट एज अ मेसन इन इंग्लिश. सो ये वॉल से एसोसिएटेड है. नहीं यार, दीवालों की वजह से ये नहीं बनते, लेकिन फॉर श्योर इनकी वजह से दीवालें बनती हैं. बट ये सेगमेंट उल्टा दिया है. अगर मुझे उसकी वजह से इस चीज़ को कंसिडर करना है तो रिलेशन राइट टू लेफ्ट आ रहा है. जो इन्होंने दिया है वो बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, जस्टिफाई नहीं कर रहा. शेफ की वजह से नाइफ बनती है? नहीं यार. पोएट की वजह से पोयम बनती है? दिस इज द प्रोबेबल रिलेशन जो यहाँ पे इन्होंने दिया. एडिटर की वजह से न्यूज़पेपर, फॉर श्योर. पोएट की वजह से पोयम बनता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज 4th one. ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट. गो अहेड, यू हैव अनदर टाइमर. Okay guys, so the time is up. Let's see the answer. 52 और 57 बहुत क्लोजली एसोसिएटेड हैं एक दूसरे से. नज़दीक के रिश्तेदार देखने में ही लग रहे हैं. 2, 3, 4, 5, 6, 7 5 का डिफरेंस. तो 46 के साथ भी 5 का अंतर, लेकिन सिर्फ अंतर नहीं, ये प्लस हो रहा है. तो आपको भी आगे बढ़ना होगा. 46 प्लस 5, 51 विच मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर. चलो अगले पे, गो फॉर इट. ओके गाइस, सो द टाइम इज अप. लेट्स सी द आंसर. अगर आप इसको सी ई जी के फ्रेम में देखोगे, हम इनको एक कंटिन्यूएशन, एक अल्फाबेटिकल सीरीज में रख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल रख सकते हैं. सी के बाद डी नहीं ई, एफ नहीं जी, एच नहीं आई, जे नहीं के, एल नहीं एम, एक सीरीज बन के आ रही है ना? उसी तरह एफ जी नहीं एच, आई नहीं जे, के नहीं एल, एम नहीं N, O नहीं P, L N P is the answer. ये एक सीरीज सीरीज में बढ़ते जा रहे हैं, एक छोड़ के अगला, एक छोड़ के अगला लेटर. सो अगला नंबर या अगला पेयर आपके पास आ गया, ऑप्शन नंबर 1 दैट सेज L N P. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन. गो फॉर दिस. So, time is up. I hope you got the correct answer. इनके बीच में रिलेशन, एक इनमें से एक ऑड पेयर दिया गया. क्या पेयर है? जैसे सिस्टर क्या होती है? फीमेल. ब्रदर क्या होते हैं? मेल. ग्रैंड मदर क्या है? फीमेल. मेल और फादर में क्या किया है? बस वही जो एक हमारा सबसे पहले में था, लेफ्ट और राइट की फ्रेमिंग गड़बड़ कर दी है. इसको लिखना चाहिए था फादर इज एसोसिएटेड विद मेल. मतलब फादर क्या होते हैं? मेल होते हैं. इसने फॉर्मेशन फॉर्मेट को पलट दिया है. सो ऑड मेंबर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 2.
Simplify. ओके गाइस, टाइम इज अप, लेट्स सी व्हाट इज गोइंग ऑन. आपको इनमें से एक ऑड मेंबर निकालना है, विच इज द ऑड वन. 14 और 28 के बीच का रिश्तेदारी क्या है? जस्ट डबल हो रहा है. 14 28 जस्ट डबल. 16 और 32 के बीच की रिश्तेदारी क्या है? जस्ट डबल. 18 और 36 के बीच की रिश्तेदारी क्या है? जस्ट डबल. तो 12 के साथ क्या होना चाहिए था? एक्चुअली यहां पे होना चाहिए था 24 और लिखा कितना गया 34. सो ये एक इनकरेक्ट पेयरिंग है. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन. गो. ओके, आई गेस आपने आंसर निकाल लिया होगा. ओके, यहाँ पे आपको एक प्रॉपर वर्ड्स का पेयर दिया गया है, लेटर का पेयर दिया गया. आपको इनमें से एक ऑड मेंबर खोजना है. कौन सा ऑड है? लेट्स सी. पी एन एल जे बहुत क्लोज बाई के लेटर्स है. नज़दीकी लेटर बन रहे हैं कि नहीं? इधर से देखने के बजाय अगर राइट हैंड साइड से देखोगे तो ज़्यादा क्लियरली पता चल जाएगा. जे के एल, एम नहीं एन, ओ नहीं पी, जैसा अभी फॉर्मेट थोड़ी देर पहले था. ओ पी नहीं क्यू, आर नहीं एस, टी नहीं यू, जस्टिफाई. जी एच नहीं आई, जे नहीं के, एल नहीं एम, जस्टिफाई. एच आई नहीं जे, के नहीं एल, एम नहीं एन, ये इन अप्रोप्रिएट है. बाकी तीन एक पैटर्न पे चल रहे हैं, फोर्थ वो पैटर्न जस्टिफाई नहीं कर रहा. सो द करेक्ट मेंबर इज ऑप्शन नंबर 4. ये बेहद आसान सवाल है, एकदम इजी गोइंग. आई होप आपने आंसर निकाल लिया होगा. लेट्स सी, देखते हैं. सबके सारे के सारे में वी फर्स्ट पोजीशन पे है ही है, तो डिक्शनरी ऑर्डर में उसको सोचने की बात नहीं है. आई और ए, सबसे पहले क्या आएगा? ए आएगा, लेकिन ए भी तीन में हो गया कैंसल. ए के बाद सबसे पहले एन पी आर, कौन सा आता है? एन आता है, विच मीन्स सबसे फर्स्ट पोजीशन पे थर्ड को आना चाहिए, बाकी सब उसके बाद. अब कई बार क्या होता है, आप लोग गलती कर जाते हो, आपको पूरा पैटर्न बनाने में बैठ जाते हो. आप एक बार ऑप्शन पे निगाह दौड़ा लिया करो. जैसे मान लो इसी ऑप्शन पे मुझे यहाँ पे तीन लिखा गया होता और यहाँ पे एक लिखा गया होता, अब मैं कहती यार अभी आंसर नहीं आ रहा है, अभी एक अगले को भी देखना पड़ेगा. लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे सवाल दिया गया है, इन्होंने सिर्फ एक ही जगह पे फर्स्ट थर्ड को फर्स्ट पोजीशन पे रखा है, तो क्या मुझे अगले ऑप्शन को देखने की, अगले मेंबर को ट्रेस आउट करने की जरूरत है? कोई जरूरत ही नहीं है, मुझे क्लियरली आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर 1 डन. ठीक है, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन. आंसर
आई गेस आपने सोच लिया है क्या चल रहा है. लेट्स सी, 13 से 16 तीन का अंतर है, 16 से 20 चार का अंतर है, +3 किया गया +4, फिर यहाँ +3, फिर यहाँ +4, मतलब अगले में आप फिर से +3 कर दोगे. तो 27 + 3 दैट गोज विद अ फंडा ऑफ 30, विच मीन्स ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर. Let's go for the next one. Go for it. चलो, आई थिंक आपने सोच लिया क्या प्रोसीजर है. लेट्स सी, बी सी डी ई एफ, मतलब फोर्थ लेटर लिया है, एफ जी एच आई जे फोर्थ लेटर है, जे के एल एम एन फोर्थ लेटर, एन से ओ पी क्यू आर फोर्थ लेटर. सो आई थिंक अब हमें सेकेंड लेटर का सीक्वेंस तो ड्रॉ करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें इतने में ही आंसर मिल गया, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे एन ऑप्शन नंबर थर्ड में ही मौजूद है, विच मीन्स दैट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन. आई गेस आपको आंसर मिल गया, विच इज़ द करेक्ट वन. बच्चों, मैं एक चीज़ सजेशन दे दूँ, जब भी कभी आपके सामने ऐसे सवाल आए ना, एक चीज़ का ख्याल रखना, सवाल में कैन भी पूछा गया है या कैन नॉट भी पूछा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. ओके, लेट्स सी, अब यहाँ पे क्या कहा है, यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म्ड, नहीं बन सकते. BURST सब मौजूद है, सेंट SENT मौजूद है, बार्न BARN, बी ए नहीं मौजूद है, विच मीन्स दैट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3. गो फॉर दिस. ओके गाइस, आई गेस आप सबको आंसर मिल गया है, विच इज़ द, क्या इसमें कोडिंग चल रही है. जब भी कभी कोडिंग का पैटर्न आए ना, सबसे पहले टर्टल, मैंने उस पर्टिकुलर वर्ड को लिख दिया. कैसे कोड किया गया, RRNRIA लिख लिया. ओके, अब बस यहीं पे देखना शुरू कर दो, RS नहीं T, RST नहीं U, अब इतने पे रुक जाते हैं, पैटर्न मुझे दिख रहा है यहीं पे. अब लॉयल्स दे के रखा है, ठीक है, आपको क्या वर्ड दिया गया है, लॉयल्स. आपको इसका क्या बताना है, इनमें से कौन सा इसका प्रॉपर कोड बन रहा है. आप बस सिंपल सा काम करो, जो आपने दो लेटर को यहां पे ट्रेस आउट किया, बस उन्हीं दो को जरा वहां चेक कर दो, जे के नहीं एल,
आई गेस आंसर हमें पहले में ही मिल गया है, क्योंकि स्टार्टिंग में फर्स्ट पोजीशन पे जे सिर्फ ऑप्शन नंबर टू में है, लेकिन फिर भी आगे देख लेते हैं। एल एम एन नहीं ओ, आर एस टी नहीं यू, देख लो जे एल फॉर श्योर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर टू। आगे बढ़ने की या कंसिडर करने की, एक एक एलिमेंट या एक एक लेटर का कोड निकालने की कोई जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करिए, फटाक से आगे बढ़ जाइए, गो फॉर दिस। ओके आई गेस आपने आंसर ट्रेस आउट कर लिया है। लेट्स सी इसका देखो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट क्या होता है, कैसे आपको सिर्फ ऑब्जर्वेशन से सिंप्लीफाई करना होता है। कई बार बच्चे इसका आंसर निकालने के लिए पेपर पेन वर्क पे जाते हैं, बिल्कुल मत जाओ, टाइम वेस्ट करना है, सिर्फ विजुअलाइजेशन करिए आप। ये आपको एक पर्टिकुलर एलिमेंट दिया गया है, यहाँ पे इन्होंने मिरर रख दिया, अब आपसे पूछ रहा है इसकी इमेज बता दो, मिरर इमेज क्या बन जाएगी। ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना हुआ है इसी को पलट के ये ऐसे आ जाएगा, तो बोले तो सिर्फ इमेजिन करो ये ऑब्जेक्ट सीधा यहीं आ गया। अच्छा ये पूरा स्क्वायर ऐसे है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, मतलब ऑब्जेक्ट है कहाँ, ये जो स्क्वायर के अंदर छोटा वाला स्क्वायर है ये बन रहा है बॉटम से राइट हैंड साइड पे, कहाँ है बॉटम राइट पे, लेफ्ट पे जाएगा नहीं, टॉप पे जाएगा नहीं, कहाँ आ रहा है उस स्क्वायर के, बॉटम राइट पे। अब बस यही एक चीज ध्यान रखो, अगर बॉटम राइट में कई जगह होगा तो हम अगली कड़ी को पकड़ेंगे, अभी इतना ही देखते हैं। ये टॉप में है, कैंसल्ड है, ये बॉटम में तो है लेकिन लेफ्ट में है, कैंसल है, ये टॉप पे है, कैंसल है, ये देखो बॉटम और राइट, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर। कुछ भी दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं, सट्टे से आंसर आ गया। यार ये थोड़ी सी डिटेल थ्योरी है, चलो आज मैं आपको इसके बारे में भी बता दूंगी, पहले आप सिंप्लीफाई करो, देन आई विल टेल यू। बताइए आई होप दैट गाइज आपने सोच लिया, एनालाइज कर लिया। चलो मैं शॉर्ट में जरा झटपट में इसके बारे में आपको समझा दूँ कि आपको सिंप्लीफाई कैसे करना होता है। दो तरीके की डाइस होती है, एक ओपन एक क्लोज्ड। जब भी कभी हमारे सामने ऐसे ओपन चौसा जैसे ऐसे खोल के रख दिया जाता, जो पुराने ज़माने का हुआ करता था, जो शकनी मामा ऐसे ऐसे करके खेलते थे ना, समथिंग लाइक दिस। सो ये ना आपको जब भी, मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद आ रहा यार क्या कहते थे उसे, तो जैसे ही हमारे सामने ओपन डाइस आती है आपको बस एक शब्द का ख्याल रखना है, अल्टरनेट। अल्टरनेट क्या, एक छोड़ के अगला, यही होता है अल्टरनेट। तो अब मेरे से अल्टरनेट एलिमेंट की बात करी जाएगी, तो ये एक मेंबर है, इसका अल्टरनेट है ये, अल्टरनेट यही हुआ। अब यहाँ अगली बात, जो जिसका अल्टरनेट होता है वही उसके अपोजिट बैक साइड होता है, मतलब ये और ये एक दूसरे के बैक साइड में होंगे, सिंपल फंडा है, ठीक है। अगला मेंबर को देख लो, अब जैसे ये है, ये एक छोड़ के अगला, ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट है, मतलब एक दूसरे के पीछे होंगे। अब अगला मेंबर ये और ये,
अब ये दोनों एक दूसरे के बैक साइड होंगे, समझ गए? ऑल्टरनेट वाला एक शब्द ध्यान में रखना, ऑल्टरनेट मतलब एक छोड़ के अगला, एक छोड़ के अगला, एक छोड़ के अगला। तो जो ऑल्टरनेट होता है वो एक दूसरे के पीछे होता है। सो हमारा ये पूरा प्रॉपर अरेंजमेंट आ जाता है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं, आपको पता चल गया कौन किसके ऑल्टरनेट है, तो बेटा जो जिसके ऑल्टरनेट होता है वो एक साथ नहीं दिखते, मतलब ये जो जिसके अपोजिट होता है, जब आप डाइस को इमेजिन करोगे, मान लो दो के अपोजिट है पाँच, तो क्या दो और पाँच नंबर दोनों एक साथ दिखेंगे आपको? इम्पॉसिबल है। अगर ऐसा दिख रहा है तो दिया गया पासा गलत है, है ना? क्योंकि वो बन ही नहीं सकता है। जो पीछे होगा वो बगल में कैसे आ सकता है? एक व्यू में नहीं दिखेगा ना। अब इसके पीछे, सर्कल के पीछे ये छोटी वाली डॉट है, स्क्वायर के पीछे ये है, इस स्टार के पीछे प्लस है। अब इन्होंने क्या पूछा है, खुले घन से बनाया नहीं जा सकता है, नहीं बनने वाला। डाइस पूछ रहा है, बनने वाला नहीं पूछ रहा है, नहीं बनने वाला। ऑप्शन नंबर वन को देखो जरा, वन में ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है और ये है। यार ये तो सारे अलग ही अलग, देखो आप खुद देख लो, मैंने सारे अलग अलग कलर को टच किया ना, एक ये और एक ये दोनों एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, बैक साइड। सारे अलग कलर नहीं आए, रेड और रेड आ रहा है ना, ये वाला अरेंजमेंट, और ये इन दोनों को एक दूसरे के पीछे होना चाहिए, लेकिन इसमें तो बगल बगल में है, मतलब एक आंसर ये आया। अब दूसरे में देखो, सर्कल सर्कल स्टार, ये ब्लू कलर में, ये रेड रेड ब्लू, आपका ब्लू रेड और ब्लैक तीनों मुझे अलग अलग कलर मिले, विच मीन्स ये करेक्ट पासा है। तो ये मेरा आंसर नहीं बन सकता, क्योंकि मुझे क्या बताना है, इनकरेक्ट पासा। इनकरेक्ट पासा कौन सा है? ऑप्शन नंबर वन। हालांकि आपको आंसर मिल गया, लेकिन मैं फिर भी आपको इन फ्यूचर कन्फ्यूजन ना, इसलिए आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। चलो मैं आपको दूसरे तरीके से समझा दूँ, अगर थोड़ा भी कन्फ्यूज हो रहे हो। इसके पीछे ये गोल वाला है, ठीक है, ये जो अरेंजमेंट बना है स्क्वायर प्लस, इसके पीछे ये वाला अरेंजमेंट है, ठीक है। नाउ ये जो है इसके पीछे है ये प्लस। अब इनका मुद्दा क्या है, जो जिसके पीछे होता है वो एक साथ नहीं दिखना चाहिए। ऊपर वाले में देखो, इसमें आपको ये दोनों एक साथ दिख रहे हैं, देखिए। तो जब एक साथ दिख रहे हैं तो कैसे पॉसिबल है भाई, इसका मतलब वो उसके पीछे नहीं, इसका मतलब वो गलत पास है। इसमें देखो सर्कल दिख रहा है, फिर ये दिख रहा है, फिर ये तीनों अलग अलग लाइन के, मतलब ये करेक्ट पास है। तीसरे में आ जाओ, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है और फिर ये दिख रहा है, तीनों अलग अलग लाइन के बंदे हैं, मतलब ये करेक्ट पासा है। ये देख लो सर्कल, ये वाला मेंबर और ये तीनों अलग अलग लाइन के, मतलब ये भी सही पासा है। मुझे खोजना क्या था, गलत पासा। गलत वाला पासा कौन सा है? ऑप्शन नंबर वन, ठीक है। अगर इसमें मैं आपसे पूछती इनमें से सही वाला पासा कौन सा है, तो आपका आंसर होता दो तीन और चार, तीनों सही है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन, सिंप्लीफायर। आई होप आपने अब तक सोच लिया होगा आंसर क्या है। देखो ये मैट्रिक्स है, आपको जो वर्ड दिया है वो पर्टिकुलर वर्ड है यॉक। आपको यॉक के लिए इनमें से एक प्रॉपर कोड या लेटर नंबर्स का एक ओपिनियन ऑप्ट करना है। इसका फंडा क्या है, जैसे ये 41 लिखा है, तो जो पहला नंबर होगा फर्स्ट नंबर वो इस लाइन को बिलोंग करेगा, सेकेंड नंबर इस लाइन को बिलोंग करेगा, बस और कुछ नहीं।
इन्होंने जैसे सबसे पहले वन दिया 41, 41 पे देखो क्या आ रहा है, के आ रहा है, गलत हो गया आंसर। 99 पे क्या आ रहा है, 99 पे वाई आ रहा है, मेरा पहला लेटर भी वाई है, ये अभी अनुमानित आंसर है हमारा। 44 और 23, 44 पे देखो एम आ गया, मुझे पहला लेटर क्या चाहिए, वाई चाहिए, गलत हो गया। 23, दो इधर से तीन इधर से, लेटर क्या आ गया, एच, मुझे क्या चाहिए, वाई चाहिए, ये भी गलत। तो जो अब हमारा अनुमानित जवाब था उसी पे हम एकदम स्टैंप लगा कह सकते भैया करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर टू ओनली, दूसरा ही यहां पे आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, आई होप आपको इतनी सी चीजें समझ में आई जितने भी मैंने आपको डिस्कशन कराए हैं। अच्छा, बिफोर आई एंड दिस सेशन, अब मैं आपको जैसे कि मेरा हमेशा कराता है, मैं पहले आपको स्टैंडर्ड प्रीवियस ईयर पेपर के सवाल देती हूँ, लेकिन फिर प्रीवियस ईयर के पेपर के सवाल के बाद मैं आपको कुछ आउट ऑफ बॉक्स सवाल देती हूँ। अब बारी है आउट ऑफ बॉक्स की, चलिए देखते हैं कुछ आउट ऑफ बॉक्स सवालों को, लेट्स सी। हालांकि मैं आपको पहले से बता दूं, ये आउट ऑफ बॉक्स आपके किसी पेपर से इंस्पायर्ड बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ आपकी सोच समझने की क्षमता को चैलेंज करने के लिए है। लेट्स सी। 17351 सेकेंड, 11222 थर्ड, 12448 13450। बता दे भाई इनमें से एक ऑड मेंबर है और वो कौन सा है, सोचो विच इज द ऑड मेंबर अमंग देम। आई गेस आपने आंसर निकाल लिया होगा, आई गेस आपने आंसर निकाल लिया होगा, निकाल लिया होगा, अब तो बिल्कुल ही निकाल लिया होगा, अगर नहीं निकाला हो तो चलो सुनो, तुक्केबाजी नहीं चाहिए आपको। एक चीज दिख रही है यहां, ये नंबर्स आपस में ही एक रिलेशन पोर्ट्रे कर रहे हैं इनर कैलकुलेशन में। जैसे अगर मैं देखूं तो मुझे सबसे इजीली ऑप्शन नंबर टू में दिख रहा है, 11 और 2 को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दे तो 22 आ जाएगा, 12 और 4 को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दे तो 48 आ जाएगा, है ना। उसी तरह 13 और 4 को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो तो 50 आता है क्या, नहीं। 17 और 3 को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो 51, विच मीन्स इनकरेक्ट पेयर कौन सा था, ऑप्शन नंबर 4। लॉजिक इंटरेस्टिंग लगा आपको, थोड़ा सा जैसे मैंने कहा ना, मैं अब आपको आउट ऑफ बॉक्स वाले सवाल दे रही हूं। लेट्स सी द नेक्स्ट वन, 4 6 12
तीस, तो अगला क्या होगा? सोचो, जनरल नॉर्मल वे में मत सोचना, जैसा कि मैंने कहा आउट ऑफ बॉक्स है, तो ध्यान से सिंप्लीफाई करना। एक काम करते हैं, आपको ऑप्शंस भी दे देते हैं, नहीं तो आप सोचो कि ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा। चलो, ये अब आपके ऑप्शंस हैं। आई थिंक अब तक में तो आपने कुछ ना कुछ आंसर सोच ही लिया होगा। चलो मैं आपको समझाती हूँ, ऑप्शन मिलने के बाद तो आंसर आ ही गया होगा जल्दी। 4 से 6 का अगर रिलेशन बनाएं तो हमें जैसे एक निगाह में क्या दिख रहा है, 4, 5 नहीं 6, तो लेकिन अगला हो सकता है +2, फिर -2, तो फिर +2, नहीं चल रहा, बेकार हो गई ये सोच। ठीक है, अगला चीज़ सोचते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। 4 से 6, 12 से 30, 6 से 12, ये पहली बात माइनर है, मेजर है या ड्रास्टिक है, अब ये चीज़ सोचना है। एक्चुअली इनकी कैटेगरी जो है, ये धीरे, ये थी तो माइनर में, लेकिन माइनर से होते होते ये मेजर की तरफ जाने लग रही है, तो इसकी कैटेगरी क्या निकल के आती है? मेजर वाली सीरीज है ना। आपने अगर पहले वाले सेशन देखे होंगे तो आपको ये तीनों वर्ड मेरे याद होंगे। तो ये मेजर में हम सोचते हैं क्या गुड़ा उड़ा, ये मल्टीप्लीकेशन ही चलता है। तो 6 से 12 गुड़े 2, 4 को 6 से कितना गुणा करके बनाए? या तो कह दो भैया -2 + 0, तो फिर इनको कहना पड़ेगा -1 + 2। फिट नहीं हो रहा, मतलब ये थॉट भी गलत हो गया। कुछ कुछ और अगर हम कहना चाहें तो और क्या कह सकते हैं? ओके, एक काम करो ना, फिर 4 × 1.5 करके देखो, क्योंकि 15 × 4 = 60, और डेसिमल लगा दोगे तो 0 हटके 6 बचेगा। देखो 4 × 1.5 = 6 आया, 6 से 12 = 2। तो मैंने एक्चुअल में किया क्या है, मैंने यहाँ पे किया क्या, पहले मैंने जो मल्टीप्लिकेशन किया वो 1.5 का किया, फिर मल्टीप्लिकेशन दुगने का कर दिया, मतलब 0.5 बढ़ा दिया। इस परंपरा को देखते हुए तो इसका मल्टीप्लिकेशन 2.5 होना चाहिए। 12 × 2.5, बिल्कुल 12 × 2.5 करोगे तो 30 आ जाएगा। तो 30 के बाद अगला × 3 0.5, 0.5 ही तो बढ़ रहा है, 30 × 3 90। सो दिस इज द राइट आंसर। मैंने कहा था ना बच्चों, आउट ऑफ बॉक्स है, थोड़ा सा ज्यादा सोचना पड़ सकता है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं फिर अगले सवाल को देखते हैं। एक और सवाल देते हैं आपको, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अगला सवाल थोड़ा सा, ये एक्चुअली सीजीएल का पेपर में पूछा गया था, मुझे देना तो नहीं चाहिए लेकिन हाँ चैलेंजिंग है, आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मजा आ जाएगा आंसर निकाल के। 24 14 ?1 2 32 16 4
128. सोचो. ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, पेशेंस से काम लेना भैया, तुरंत में आंसर नहीं आएगा. ओके, आई थिंक अब मुझे आंसर निकालना चाहिए. 2 मिनट काफ़ी हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स था. आपको याद होगा मैंने आपको पहले भी बताया है, जब भी कभी आपके पास ऐसे सवाल आए, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जिधर बिगेस्ट नंबर है आपका सारा कैलकुलेशन का फ्लो उधर ही होना चाहिए, बड़े नंबर की तरफ. मतलब 18 12 3 से इसको बनाओ, 32 16 4 से इसको बनाओ. सिंपल फंडा, ऐसा ही कुछ आपको सोचना चाहिए. अब देखते हैं, 3 और 18, 4 और 32. 3 को अगर 18 से आप डिवाइड करोगे, 3 को 18 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 6. 6 और 12 से 72 बना सकते हैं. हाँ, इस डिवाइड किया, 6 आया, 6 गुणे 12 कर दिया 72. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन. तो इसको भी यही कर दो, डिवाइड कर दो, फिर जो आए उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 128. आई थिंक अब मुझे आगे कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है. बच्चे इतने होशियार होते ही हैं कि आपको बस एक छोटी सी कड़ी चाहिए, उसके बाद आप आंसर खुद ही सड़पड़ निकाल सकते हो. ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट वन. अगला देखो, 0 6 24 60. तो अगला क्या होगा? जो सीरीज 0 से शुरू होती है वो सोचने पर मजबूर बहुत करती है. देखते हैं, आप सोचें पहले.
ओके, आई गेस आंसर कुछ आ गया होगा. लेट्स सी अब आपने जो सोचा है सही सोचा या गलत सोचा. जीरो. यार जीरो बनाने के ना बहुत तरीके होते हैं, तो कभी भी जब भी आपके पास कोई सीरीज जीरो से शुरू होती हुई आए सीधे दिमाग लगाने में मत आ जाओ, क्योंकि जीरो बनाने के देर आर नंबर ऑफ वेज टू मेक जीरो. छोड़ दो, छह बनाने की कोशिश करो. 24 और 60, इस पे आंसर ज्यादा इजीली आएगा. अगर मैं 6 के लिए सोचूं तो ये 2 के क्यूब के नज़दीक है, ये 3 के क्यूब के नज़दीक है 64, 4 के क्यूब के नज़दीक है. तो भाई जबरदस्ती की बात है, तो 1 का क्यूब यहाँ भी डाल ही देंगे, क्योंकि ये पूरी सीरीज बन रही है 1 2 3 4, तो मैंने वहाँ भी 1 का क्यूब रख दिया. अच्छा, ये 2 के क्यूब के नज़दीक कैसे? 2 के क्यूब में 2 घटा दो, 3 के क्यूब में 3 घटा दो, 4 के क्यूब में 4 घटा दो, तो उसी तरह 1 के क्यूब में से 1 घटा दो, विच मीन्स अगला 5 का क्यूब -5. आई होप यू गॉट द आंसर. नाउ अब आपको आंसर खुद ही मिल गया है. क्लियर है? क्लियर क्लियर क्लियर. चले फिर अगला ऑप्शन, अगला आपको सवाल दें. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन. ई जी और एफ. ओके, फिर आपके पास है एच डी और ए. ये किससे किससे कैसे एसोसिएटेड हैं? या ऐसे लिखने के बजाय ये 24 से जुड़ा है, ये 29 से जुड़ा है, तो 13 से जुड़ा लेटर क्या होगा? सोचो, ये आउट ऑफ बॉक्स है, ये किसी एग्जाम का पूछा गया सवाल नहीं है, इट इज कंप्लीटली आउट ऑफ बॉक्स. ओके, 2 मिनट हो गए हैं, 2 मिनट काफ़ी है सोचने के लिए. देखो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कभी भी आपके पास ऐसे सवाल आते हैं, आपको करना क्या होता है, सिंपल फंडा है, लेटर का नंबर में या नंबर का लेटर में किसी भी फॉर्मेट का कन्वर्जन होता है, आपको एक ही चीज़ सोचना चाहिए. क्या? प्लेस वैल्यू. प्लेस वैल्यू ही एक तरीका है जो लेटर को नंबर से जोड़ पाती है या नंबर को लेटर से कन्वर्ट कर पा रही है. मात्र इकलौता तरीका है प्लेस वैल्यू. अब प्लेस वैल्यू के लिए आप सोचें कैसे, आंसर कैसे निकालें. सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, सबसे पहले आप ई जी एफ की प्लेस वैल्यू लिख दो, फिर आपका काम बाकी अपने आप आसान होता चला जाएगा. ई जी और एफ की प्लेस वैल्यू 5 7 6, ठीक है. एच डी ए की प्लेस वैल्यू लिख दो 8 4 1. मैंने सबकी प्लेस वैल्यू लिख दी. 5 7 6 का 24 से कोई कनेक्शन है? यस. स्क्वायर. 29 का 8 41 से कोई कनेक्शन है? बेशक. स्क्वायर. तो 13 का स्क्वायर यहाँ लिख दो, फिर जिस
नंबर पे जो प्लेस वैल्यू आ रही है उसको प्लेस कर दो, यू गॉट द आंसर। कितना आसान तरीका है, आप खुद देख सकते हो, दिस इज द इजीएस्ट वे। ओके, तो यार जब मेरा क्या एजेंडा है, मैं आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर ना दूं, उसके साथ ही साथ मैं आपको कुछ आउट ऑफ बॉक्स सवाल भी दूं। आउट ऑफ बॉक्स सवाल करने का बेसिक पर्पस क्या, हम किस टारगेट को अचीव कर पाते हैं, हम अपनी सोचने समझने की क्षमता को चैलेंज कर पाते हैं ना। अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन SSC का नहीं कंसिडर किया है, या बैंक का, किसी का भी, जिसका भी सब्सक्रिप्शन आपको चाहिए, फटाफट टारगेट कर लो। ये हमारा पुराना प्राइस था जो अब घट के इतना हो चुका है, 270 पर मंथ। वन टाइम पेमेंट की बात की जाए तो 6480 हो चुका है। उसी तरह 12 मंथ के पैकेज की बात की जाए तो अब 450 पर मंथ, 5400। मतलब एक साल वाला पैकेज अभी भी आपका वही प्राइसिंग चल रहा है, लेकिन 2 साल वाले पैकेज की प्राइस रिड्यूस होकर 6480 हो गई है। अगर आप इन दोनों में अंतर देखो, आप कहोगे मैम मंथली के हिसाब से देखें तो चलो आपकी बात मान लिया, प्राइस रिड्यूस हो गया, लेकिन वन टाइम पेमेंट के हिसाब से तो ये इससे कम ही है। कैलकुलेटिवली वे में देखो तो दोनों के बीच में अंतर 1080 का है, और 1080 एक्चुअल में सिर्फ वन मंथ का एक्सटेंशन है। लेकिन यहाँ पे आप 1080 में क्या कर रहे हो, आप वही एक छोटा सा डिफरेंस पे करके अपने पैकेज को जस्ट डबल बना रहे हो। सो भाई ये सोच के मत चलो कि मैम सिर्फ उतने का ही है, ये उतने का नहीं भैया, ये आपको अच्छा खासा डिफरेंस, अच्छा खासा डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहा है। ये नया प्राइस अवेल करने के लिए या ये डिस्काउंट लेने के लिए आपको कोड यूज़ करना होगा, दैट सीज APLIFE। और आपके पास वहाँ पे कुछ क्रेडिट्स भी होते हैं, उनको भी यूज़ कर देना तो प्राइस और डिक्रीज और रिडीम हो जाती है। ओके, समझ में आ गई बात आपको? सो लेकिन आपका कॉल है, आप चाहो तो इसको ले लो, चाहो तो इसको ले लो, जिसको चाहो उसका कंसे। अगर आपको लग रहा है नहीं मैम एक साल बहुत है, कौन 2 साल का समझ के चलता है, ठीक है सही बात है, कौन 2 साल का समझ के चल रहा है यार। हाँ बट इसमें बेनिफिट ये, अगर आपके कुछ ही समय बाद आपका कोई छोटा भाई या बहन इसी कंपटीशन फील्ड में आने वाले हैं तो हेल्पफुल हो सकता है, वरना गो अहेड विद 1 ईयर, 1 साल भी बहुत काफ़ी है। और यहाँ पे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के साथ है वो है अनलिमिटेड एक्सेस। मतलब आप एक सब्सक्रिप्शन ले करके आप सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ोगे। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है यार यहाँ पे जो आपको मिलता है, एक सब्सक्रिप्शन लेके आप सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, ये सबसे प्लस पॉइंट है। सो डू कंसिडर दैट। ओके, कोड आपका APLIFE है, आकांक्षा पांडे लाइव, यूज दिस कोड। सो दिस वॉज ऑल फॉर द डे। हर वीक के एंड पे मैं आपको एक प्रीवियस ईयर पेपर प्लस आउट ऑफ बॉक्स सवाल, दो के दोनों डिस्कशन प्रोवाइड कर दिया करूंगी हर वीकेंड पे। ओके, सो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।